हम लोगों में ऐसे छोटे छोटे परंपरा से रिवाज है जो हमको ये तरले को लगाते आपको ध्यान में होगा नहीं होगा। हमारे यहां दूध वाला दूध देता है, मैं पुराना तरीका कह रहा हूं, आज सब दूध वाले ऐसा नहीं करते, आजकल बोतल में दूध मिलता है उसमें तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन पहले ऐसा था दूध वाला आता था दूध देता था और अगर एक लीटर दूध है तो एक लीटर दूध डालने के बाद वो छोटा सा सबसे जो माप होता दूध का उसका आधा और डाल देता। आम के दिनों में आम खरीदने जाओ तो 100 आम खरीदे तो ऊपर 5 मुफ्त में दे दे। आज भी सब्जी बाजार में सब्जी खरीदने के बाद 2 मिर्ची और 2 धनिया की काढ़ी वो सब्जी वाला ऊपर से डाल देता है, क्यों डाल देता है? ये धर्म है। अब ये कोई ग्रंथों में ऐसा ऐसा करो ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने इन छोटी छोटी बातों के द्वारा हमको ये सीख दी है धर्म की। हमारे घर के सामने कोई मांगने वाला आता है, हमारे घर में क्या है क्या नहीं सवाल नहीं, उसको खाली नहीं जाने देना चाहिए, ये हमारा रिवाज है। और मुट्ठी भर भात ही उसको धान ही दे देंगे तो भी घर के बड़े लोग नहीं देंगे, घर के बच्चे को भेजेंगे उसके हाथ से दिलवाएंगे ताकि वो सीखे कि हमने जो चीजें घर में भर के रखी है वो हमारे और हमारे घर के लिए केवल नहीं है, समाज का कोई भी जरूरतमंद आता है उसको मिलनी चाहिए, ये संस्कार है। इसका पालन हमको करना है। पुराने रीति रिवाजों में कुछ आज काम के नहीं है, कुछ रूढ़ियां बन गई, निरर्थक हो गई, उनको बदलना चाहिए। परंतु पुराने छोटे छोटे बहुत सारे रीति रिवाज हमारे जीवन में अच्छी मनुष्यता की आदतें निर्माण करने वाले हैं, धर्माचरण निर्माण करने वाले हैं, इसलिए उनको बिना परीक्षा के तजना नहीं चाहिए, जो अच्छी बातें हैं उस पर चलना चाहिए। और कुछ विकृतियां आ जाती है, हम अर्थ भूल जाते हैं, नई बातें बाहर से घुस आती है तो समाज तो एक सा नहीं रहता, हजारों सालों का हमारा जीवन है, कुछ ऐसी बातें घुस भी गई है, उनको बदलने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। देखिए रामानुजाचार्य जी की ही कहानी है, उनको मंत्र दिया गुरु ने, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो नारायण, और मंत्र देने के बाद कहा कि देखो ये सबके लिए नहीं है तुम्हारे लिए है। रामानुज जी ने पूछा इस मंत्र से क्या होता है, तो बोले मोक्ष मिल जाएगा। बोले जो कोई इसका जाप करेगा उसको मोक्ष मिलेगा, बोले हाँ इसीलिए सबको नहीं देना। रामानुजाचार्य जी गुरु के द्वार से उठे और गांव का परकोटा, मंदिर का परकोटा था, उसके शिखर पर जाकर खड़े हो गए और पुकार पुकार कर लोगों को जमा किया और सबको कहा कि देखो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मुझे गुरु ने दिया है, मैं आपको बताता हूं, इस मंत्र का निरंतर ध्यान करो जाप करो आप सबको मोक्ष मिलेगा, सबको वो उस किले के प्राचीर से उन्होंने वो मंत्र बता दिया। सब लोग हफ्ते बक्के रह गए, जाकर गुरु के पास शिकायत, गुरु ने बुलाया कि मैंने तुमको बताया था और पहला काम तुमने किया इसको सार्वजनिक कर दिया। बोले गुरु जी मैंने किया, इसका क्या दंड है? तो बोले तुमने ये पाप किया, तुम नरक में जाओगे। तो कोई बात नहीं गुरु जी, मैंने गलती की है, मैं नरकवास भोगूंगा, लेकिन मुझे आनंद है कि मेरे अकेले के नरकवास के कारण इस मंत्र को जिन्होंने सुना और जो उसका ध्यान जाप करेंगे वो सब लोग कर जाएंगे, इतने लोगों का उपकार करके मुझे अपकार भी हुआ, मुझे उसके दुख को नहीं। गुरु ने कहा कि तुम सही हो, गुरु ने उनको शासन नहीं दिया, गुरु ने कहा कि तुम्हारा ये जो अंतःकरण है, जो दुखी है, जो अभावग्रस्त है, उनके लिए जलने वाला वही भगवान का प्रेम मन में है, इसकी निशानी है।